नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में एलटी ग्रेड और एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाओं के बारे में बात की जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। एसएससी की सीएचएसएल की परीक्षा जो कि 10+2 लेवल की हायर सेकेंडरी परीक्षा होती है 2018 Tier 2 की परीक्षा के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा की गई गड़बड़ी की जाँच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी उन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करेगी जिनका अभ्यर्थन निरस्त हो चुका है। उक्त परीक्षा में 4,560 अभ्यर्थियों पर उत्तर पुस्तिका में व्यक्तिगत पहचान बताने का आरोप है। उन्होंने अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता आदि लिख दिया था। इसके आधार पर इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया था। अभ्यर्थियों ने खुद पर लगे आरोप निराधार बताते हुए SSC से पुनः जाँच कराने की मांग की है। परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर 2019 को किया गया था। परीक्षा में 45,101 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 36,112 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट 25 फरवरी को घोषित किया गया। इसमें 32,600 अभ्यर्थी सफल हुए थे। दोस्तों एलटी ग्रेड की अपडेट है कि अभ्यर्थी नए सिरे से तैयार करेंगे आंदोलन का खाका, और कोरोना संकट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की तारीख बढ़ाने से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों का आंदोलन स्थगित हो गया है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी करने व चयनितों की नियुक्ति दिलाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 20 अप्रैल से आंदोलन करने वाले थे। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व लखनऊ में विधानसभा के गेट पर धरना प्रदर्शन की तैयारी थी। दोनों जगह एक साथ आंदोलन होना था, लेकिन लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने पर अभ्यर्थी अब आंदोलन का खाका नए सिरे से तैयार करेंगे। आंदोलन कब और कैसे किया जाए उसके लिए राय मांगी जा रही है, तो जो छात्र अपनी राय देना चाहें वो राय अपनी दे सकते हैं। दोस्तों ये थी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।